हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएस। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि पुलिस जो है वो बासु हाउस में आई है और कहती है कि जो तेजस के साथ शामिल है झनक के एक्सीडेंट के लिए, उनको वो गिरफ्तार करने आती हैं और वो होती हैं सृष्टि मुखर्जी। तो सृष्टि मुखर्जी को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहां सब इस चीज को लेके शॉक होते हैं। और अर्शी उसके बाद भी अनिरुद्ध को ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है ये नहीं पता। भाई, गलती तुम्हारी माने की है, पर तुम देख अनिरुद्ध बोस को रही हो। तो एनीवेज, इस पे बात करते हैं। ये मुनीजा जी, ये दिल को एक सुकून सा मिल गया जो भी हुआ वो देख के। अभी ये सुकून कितना कितने टाइम तक होता है वो देखना अभी बाकी है। बट यस, दे हैव काइंड ऑफ एस्टैब्लिश दैट तेजस के साथ सृष्टि वाज द वन हु प्लान्ड द होल थिंग को लेके गए। और आपने बहुत सही कहा कि अर्शी अनिरुद्ध को देख रही है। भाई क्यों देख रही है? मम्मी को देखो कि उनकी करतूतों की वजह से उनको लेके जा रहे हैं, तुम अनिरुद्ध को देख रहे हो जैसे कि उसने कुछ किया है, वो वही है। तो क्या कहोगे आप? मैं क्या ही बोलूं, जब तक आंखों से देख नहीं लूंगी जब तक यकीन नहीं होगा कि सृष्टि मुखर्जी को लेके गए। भाई, इतने ख्वाब हो जाते हैं, इतनी चीजें ऐसे हो जाती हैं कि हमें लगता है भाई नहीं, हमें तो भरोसा ही नहीं रहा है। तो जब तक आंखों से देख नहीं लेंगे और सच में नहीं दिख जाएगी वो कि वाकई ये हुआ है और ये कोई ख्वाब नहीं है, तब तक तो यकीन आने वाला है नहीं। लेकिन अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पापों का भी घड़ा भर जाता है और उसका भी टाइम आता है। और वही मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके पाप बहुत बढ़ चुके हैं हर बार। इवन हम अगर अभी की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, जहां हमने देखा कि क्या 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 सृष्टि ने किया है झनक के साथ, चाहे पानी में उसका हाथ छोड़ दिया हो, चाहे घर में कुछ ना कुछ उसको पिलाने की कोशिश करी हो, चाहे उसे जलाने की कोशिश करी हो, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे कि उसने कोशिशें की जरूर हैं कि किसी तरह इस झनक से हमारे हमें छुटकारा मिले। आप अपने बेटी और उसके प्यार को मिलाने के चक्कर में किसी तीसरे को मारने को भी आप तैयार हो, वो प्यार ही क्या जो है ही नहीं। जैसे झनक कहती है ना कि अगर दो दिल मिले हुए होते तो उसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन दो दिल मिले ही नहीं, मिले हुए ही नहीं थे, इस वजह से तो तीसरा वहां आ सका है। वो जगह खाली थी, वहां छोड़ी गई थी, तो इसके लिए उसे तो ब्लेम कर नहीं सकते हैं। लेकिन सृष्टि के साथ ये होना बहुत जरूरी है ना। आई होप ऐसा हुआ हो और वो गई हो और उनको अच्छी सजा मिले, सबको सजाएं मिले जो जो अपने अपने वक्तों में बुरा करके आए हैं। और यही टाइम है अभी सृष्टि को सजा मिलने का, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा अपना कहते ना कि बहुत ज्यादा हद क्रॉस कर दी है। तो इस वजह से तो मैं तो बहुत खुश हूं वैसे ये देख के उनको लेकर गए। एंड आई होप वो लोग उसके बाद भी, क्योंकि ये वैसे लोग हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ नार्सिसिस्ट, तो वो लोगों का दिमाग ना तब भी ऐसे ही चलने वाला है कि ये झनक को ही ब्लेम कर रहे होंगे, ये दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होंगे, ये कभी मानेंगे नहीं कि हम गलत हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ वैसे इतने से प्रीकैप को देख के कि ये भाई वाह, खुश हो गए। वहां आदित्य कपूर भी है, तो मुझे लगता है कि आदित्य कपूर ही शायद लेकर आए, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उस जनक को बोला था हॉस्पिटल में कि क्रिमिनल है, तुम कैसे छोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके उसने स्टैंड लिया होगा, और अगर अनि भी उसमें साथ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही हो रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो देखते क्या होता है, आप बताइए। मैं तो उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ जब एक एक करके सबको लेके जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। नो सीरियसली, क्योंकि बिकॉज यू नो एक होता है कि यू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर योर हेट्रेड, यू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर डिसलाइकिंग अ पर्सन। आप बिना बात के यहाँ पे किसी के ऊपर चढ़ जाते हो, किसी को दोषी ठहराते हो। और आपने बहुत सही कहा, सृष्टि को लेके आए हैं, इसके लिए भी वो झनक को दोषी ठहराएंगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है वाकई में। दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल। तो डेफिनेटली मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब एक एक करके सबको लेके जाएंगे, या फिर सबको उनकी कर्मों का सजा मिलेगा, क्योंकि अब तक किसी को नहीं मिला है। नो बडी हैज एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ अ डाउनफॉल और दैट काइंड ऑफ अ सेटबैक जो उनको शायद मिलना चाहिए था। क्योंकि मजा तभी आता है एक ड्रामा देखने में जब बुराई अगर अच्छाई के साथ कुछ कर रहा है तो बुराई को भी उसका
भुगतना पड़ेगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैटल, राइट? गुड वर्सेस बैड होता है. ऐसा नहीं होता कि आप गुड को ही हमेशा डाउन करो डाउन करो डाउन करो. यहाँ पे तो प्लेइंग फील्ड भी लेवल्ड नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल द एक्सीडेंट, इट हैपेंड टू हर, राइट? उस दिन फायर इंसिडेंट उसके साथ हुआ, मगर उसका पूरा ड्रामा था वो भी जनक के ऊपर आया ना, कि जनक ने अक्षय को जान से मारने की कोशिश की. तो वेयर इज द गुड वर्सेस बैड? इट्स ऑलवेज पुटिंग द गुड डाउन. वो देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता जब एक का पलड़ा भारी है और एक दूसरे को आप एकदम से गिरा रहे हो, गिरा रहे हो, गिरा रहे हो. मैं तो चाहूंगी कि उनको भी अपने कर्मों का सजा मिले, कुछ भी हो. इट कुड बी इन बिजनेस लॉस, या एक केस जीत, एक केस हार गए, या व्हाटएवर. इन दैट मैटर दे आल्सो नीड टू बी शोन देयर प्लेस, पुट इन देयर प्लेस, कि हमारी भी कभी भी लग सकती है. मगर वो हुआ नहीं है. इवन फ्रॉम अ ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू नो, इट्स वेरी मिसिंग कि देयर इज नो इक्वालिटी ओवर देयर. मैं मानती हूँ कि हमारे शोज में सबसे ज्यादा चीजें वर्कआउट करती है फॉर सम रीजन जब फीमेल लीड को थोड़ा ज्यादा बोला जाता है या उसके खिलाफ कुछ किया जाता है. मगर देखना एक इंटरेस्टिंग तो तभी बनता है ना जब उनके साइड में भी कुछ हो. तो वो वाली चीज मुझे झनक से बहुत ज्यादा मिसिंग लगती है. आई होप ये सृष्टि मुखर्जी का अरेस्ट होना इज अ स्टार्टिंग, एंड उसके बाद हर किसी को उनका एक मिलेगा, पीछे पीछे सबका लगेगा नंबर. तो मैं उस चीज के लिए इंतजार कर रही हूँ. बिल्कुल, हम भी उसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सबको जो उनके पाप है ना उसकी सजा मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस की है. मैं कुछ लोगों का तो सिर्फ घमंड घमंड है, लेकिन कुछ लोगों ने तो वाकई हदें क्रॉस की है, जिसमें शुभु भी है, सृष्टि भी है. तो देखते हैं क्या होता है उनके साथ. और अभी का ये प्रिकैप देखे तो बहुत खुशी हुई है कि सृष्टि तो गई है, और एक एक करके सबको अपनी पापों की सजा मिले और मिलनी भी चाहिए. अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस. टेक केयर, बाय बाय. हाय, दिस इज फलकनाथ एंड यू गाइस आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए.